दूसरा, बाबा के इस ड्रामा के ज्ञान को, बाबा के पाठ को, स्वयं को और परिवार को बहुत निश्चय के आधार से करके, समझ करके उसके साथ सच्चा स्नेह करना, परिवार को यथार्थ रीति से समझना और समझ करके दूसरे के साथ इतना मिलनसार होकर के चलना, इन्हीं के साथ हमने पाठ बजाया है और यही आत्माएं हमारी अपनी है। हमको इनकी विशेषता को देख करके चलना है, इनकी कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। आज बाबा ने कहा, स्थान बदलने से कोई आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी क्या? सहनशील बनो, सहन करो, अपने आप को एडजस्ट करो। फिर कहे मैं इनके साथ नहीं चल सकता, मैं इधर चला जाऊँ, मैं उधर चला जाऊँ, अरे जहाँ जाओगे वहाँ ही कोई नया हिसाब आ जाएगा। जिसके साथ हो उसके साथ अच्छी तरह से उसको परिस्थितियाँ उनको हिला नहीं सकती। इसलिए ज्ञान योग का फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन, सत्यता का फाउंडेशन, सत्य स्वरूप में रहो, सत्य बाप के बच्चे हैं, झूठ बोलने की आदत नहीं है। इससे छिपा रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसलिए एक सच है तो 100 कल्याण हो जाएंगे। सच्चाई बाबा को बहुत प्रिय है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, राजी करना है, तो सच्चा अंदर बाहर ही होकर के रहो। दिखावा अलग है, रूप अलग है और कर्तव्य अलग है। ब्राह्मण आत्माएं कभी भी इस प्रकार के धोखे में न रहें और न किसी को धोखे में डालें।